सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भगवरबल्स, मेरा नाम है निखिल भार्गव। आज का ब्लॉग जो फोकस है वो एक पाउडर के ऊपर फोकस है जिसका नाम है पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण, जैसे आप नाम से जान जा रहे हैं, पंच यानी पांच, यानी इसमें पांच चीज़ों का मेल है, यानी पाँचों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं जिससे आपकी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये पाउडर से आपकी जो भी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जो आपके बैड कार्ब्स हैं, जो आपके स्टोर हो रहे हैं, वो इसको ख़त्म करेगा ये पाउडर। ये चूर्ण बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, इसमें सबसे पहले लेना है दोस्तों आपको सौंफ। सौंफ, बड़ी सौंफ या छोटी सौंफ, यानी मोटी सौंफ या बारीक सौंफ, आप कोई सी भी सौंफ ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेना है दोस्तों। मिक्स कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए अच्छे से। तो इसमें सबसे पहला है सौंफ, दूसरा है सौंठ, सौंठ जिसे हम सूखा अदरक भी कहते हैं, थर्ड वन है सनाय। सनाय पत्ती आती है दोस्तों, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आपको ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। फोर्थ वन है छोटी हर, एंड द फिफ्थ यानी लास्ट वन है सेंधा नमक। यानी सौंफ, सौंठ, सनाय, छोटी हर और सेंधा नमक मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके इनको पाउडर बना लीजिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों, बिलीव मी, आपकी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतना रिड्यूस हो जाएगा। और ये काफ़ी टेस्टी है, आप इसको बनाइए, खाइए, काफ़ी टेस्टी है। अब इसको खाना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। दिन में तीन बार या दो बार, यानी 24 आवर्स में आप इसको 3 टाइम्स और 2 टाइम्स भी ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आपका शेड्यूल कैसा है। तो आप इसको दिन में 2 बार लीजिए, बिना पानी के, बिना शहद के, बिना दूध के लेना है। ये एक मुखवास जैसा है, जो मुखवास अपन खाना खाने के बाद लेते हैं वैसा है। तो आप इसको आधी चम्मच से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि गुड थिंग्स कम्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो छोटी क्वांटिटी में आती हैं। तो आप इसको आधी चम्मच लीजिएगा। सो प्लीज़ आप उसको लाइए, बनाइए। मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे बनाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तब तक